हाँ नमस्कार मैं भूपेंद्र कुमार एस एस सी सिग्नल एस एन टी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे हाँ गाजियाबाद हाँ बोल रहा हूँ साथियों मैं आज आपको बताऊँगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में यानी कि स्वचालित सिग्नलिंग सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में जाने से पहले सिस्टम ऑफ वर्किंग के बारे में बताऊँगा सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है कि हमें ऐसा साधन जो ट्रेनों की वर्किंग के लिए ट्रेनों की वर्किंग के लिए अडोप्ट किया जाता है यानी कि गाड़ियाँ किस रूल या नियम के अंतर्गत एक ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेंगी इनको अध्ययन करने के लिए है सिस्टम ऑफ वर्किंग फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स डिफरेंट मैथड्स आर अडोप्टेड टू कंट्रोल द ट्रेन मोमेंट बिटवीन द गिवन पॉइंट्स से बिटवीन टू इस्ट इस्टेसन मेनली टू एंश्योर दैट नॉट मोर देन वन ट्रेन इज परमिटेड इन टू ब्लॉक सेक्शन यानी कि ट्रेनों की सेफ रनिंग के लिए हमें दो स्टेशनों के बीच का जो सेक्शन है ब्लॉक सेक्शन उसमें गाड़ियाँ कैसे जाएंगी या एक ही गाड़ी रखी जा सके उसमें एक ही गाड़ी रहे ऐट ए टाइम हाँ तो हमें ये इंश्योर करना होता है तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड जो है इंडियन रेलवे में सिस्टम ऑफ वर्किंग जो, जो अडॉप्ट किए गए हैं ये हमारे इंडियन रेलवे में कुल ब्लॉक सिस्टम हैं इसमें नंबर वन है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति नंबर दो है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम यानी कि स्वचालित ब्लॉक पद्धति नंबर तीन है द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम नंबर चार है पायलट गार्ड सिस्टम नंबर पाँच है द ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम नेक्स्ट है दर्न ट्रेन ओनली सिस्टम वैसे टोटल छः ब्लॉक वर्किंग सिस्टम हैं लेकिन मूलतः अधिकतर प्रयोग जो है हमारे पहले दो सिस्टम का ही किया जाता है हमारे इंडियन रेलवे में सबसे अधिक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति का प्रयोग होता है दूसरे नंबर पर आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम या स्वचालित ब्लॉक पद्धति दूसरे नंबर पर इसका प्रयोग होता है बाकी जो बची हुई शेष चार पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग तो बहुत ही कम नाम मात्र के लिए हमारे इंडियन रेलवे में है अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे पहले बताएंगे व्हाट इज़ द ऑटोमेटिक ब्लॉक नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एब्सोल्यूट सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या अंतर है नेक्स्ट उस नेक्स्ट अध्ययन करेंगे वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड यह कहाँ पर आवश्यक है नेक्स्ट वाई इट इज रिक्वायर्ड यह क्यों रिक्वायर्ड है क्यों इसकी आवश्यकता है नेक्स्ट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए नेक्स्ट अध्ययन करेंगे व्हाट आर द असेंशियल्स यानी कि क्या क्या हमारी असेंशियल्स हैं या क्या क्या हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं नेक्स्ट स्टडी करेंगे हाउ इट इज ऑपरेटेड यह कैसे ऑपरेट होती है नेक्स्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक ब्लॉक का हमारे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में क्या रोल है अब हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑटोमेटिक ब्लॉक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम क्या है यानी स्पेस इंटरवल्स आर सिक्योर्ड बाय ऑटोमेटिकली बाय द यूज ऑफ ट्रैक सर्किट्स और एक्सल काउंटर यानी कि दो ट्रेनों के बीच में जो स्पेस इंटरवल रखा जाता है यह ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर के प्रयोग करके सेक्ोर्ड किया जाता है ऑटोमेटिकली तरीके से यानी कि स्पेस इंटरवल जो था इसमें हमारा रखा जाएगा ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर के प्रयोग से हाँ नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एब्सोल्यूट सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या अंतर है या पूर्ण ब्लॉक पद्धति तथा स्वचालित ब्लॉक पद्धति में क्या अंतर है द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ब्लॉक एंड ऑटोमेटिक ब्लॉक इज दैट इन द लेटर स्पेस इंटरवल्स आर सिक्योर्ड ऑटोमेटिकली बाई द यूज ऑफ टैक्स सर्किट और एक्सिल काउंटर वाइल्ड इन फॉर्मर वाई ह्यूमन एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेशन मास्टर्स लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ ब्लॉक सेक्शन यानी कि पहले वाले में हम कहें कि आटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जो था जो गाड़ियों के बीच में स्पेस इंटरवल सिक्योर्ड होता है वह ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर का प्रयोग करके ऑटोमेटिकली तरीके से होता है जबकि दूसरे में यानी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति में यानी कि यह स्पेस ह्यूमन एजेंसी द्वारा यानी स्टेशन मास्टर द्वारा मैनुअली सिक्योर्ड किया जाता है हाँ नेक्स्ट है कि नॉर्मल आस्पेक्ट ऑन द सिग्नल पोस्ट यानी सिग्नल का हमारे नॉर्मल आस्पेक्ट क्या होगा नॉर्मल आस्पेक्ट हमारा एब्सोल्यूट ब्लैक सिस्टम में रेड होता है जबकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हमारा नॉर्मल आस्पेक्ट ग्रीन होता है नॉर्मल आस्पेक्ट मीन्स जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल का एस्पेक्ट जलेगा वह कहलाता है नॉर्मल एस्पेक्ट यानी कि एब्सोल्यूट सिस्टम में या जहाँ सिग्नल मैनुअली कंट्रोल है वहाँ पर जो है यह रेड जलता रहेगा नॉर्मल कंडीशन में जबकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हमारा नॉर्मल एस्पेक्ट जब कोई गाड़ी नहीं है सेक्शन में तो यह ग्रीन जलता रहेगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हमारे ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर सफ़ेद सर्कुलर डिस्क पर काला ए अक्षर लिखा हुआ मार्कर लगा होता है यानी सफ़ेद सर्कुलर डिस्क पर काला ए अक्षर लिखा हुआ मार्कर सिग्नल एस्पेक्ट के नीचे रेड एस्पेक्ट के नीचे लगा होता है जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम में कोई अतिरिक्त अन्य मार्कर नहीं होता ए मार्कर पहचान है कि यह हमारा सिग्नल पूर्णतया ऑटोमेटिक सिग्नल है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल ये नाउ बर्किंग एज ए ऑटोमेटिक सिग्नल यानी कि हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है यानी उस पर जलता हुआ ए मार्कर होता है यानी इसमें लिखा हुआ ए मार्कर नहीं होता एक साइड में ए मार्कर जलता हुआ होता है यानी फ्रंट पर इसके कटिंग करके ए अक्षर लगा दिया जाता है इसके बैक साइड में एक लैंप जलता है जब यह ए मार्कर जला हुआ होता है तो सिग्नल पूर्णतया ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह कार्य करेगा नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट नाउ वर्किंग एज ए मैनुअल सिग्नल यानी जब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए मार्कर बुझा होता है तब यह सिग्नल मैनुअल सिग्नल की तरह कार्य करेगा उस समय हमारा रेड एस्पेक्ट सिग्नल का नॉर्मल कंडीशन में जलेगा हाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड यह कहाँ पर आवश्यक है हमारे जो बिजी सेक्शन हैं जहाँ पर गाड़ियों की संख्या या फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है वहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया जाता है जैसे कि मुंबई सब सेक्शन चेन्नई सब सेक्शन कैलकटा सेक्शन या हमारे नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली के आसपास दिल्ली गाजियाबाद के बीच दिल्ली से नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच तथा हमारे इधर फरीदाबाद सेक्शन तथा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में मथुरा आगरा सेक्शन तथा कानपुर और इलाहाबाद सेक्शन में भी इसका प्रयोग इस समय है हाँ वट आर द रिक्वायरमेंट्स यानी क्या इसके लिए आवश, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है सबसे पहले है ज़रूरत हमें कंटीन्यूस ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउंटर यानी पूरे सेक्शन को कंटीन्यूस या ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउंटर की आवश्यकता होगी मीन्स टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक यानी गाड़ी पर ट्रेन सॉरी ट्रैक पर हमारी गाड़ी की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउंटर हमारा लगाया जाता है हाँ नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता यानी कि मल थ्री एस्पेक्ट सिग्नलिंग और फोर एस्पेक्ट सिग्नलिंग यानी कि थ्री एस्पेक्ट या फोर एस्पेक्ट सिग्नलिंग होनी चाहिए यानी कि कम से कम मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग ही चाहिए टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग या सेमा फोर सिग्नलिंग नहीं चाहिए या दूसरे शब्दों में कहें कि एम ए सी एल मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग की आवश्यकता है यानी कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग या सेमा फोर सिग्नलिंग नहीं चाहिए हाँ थैंक यू